नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है होली का त्यौहार, छोटी होली जो पूजने वाली होली होती है, तो अभी फिलहाल उसके पूजन के लिए ही जाना है, तैयार होना बाकी है। और अभी पिछले कुछ दिन बहुत बिजी गए क्योंकि घर में काम चल रहा है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। थोड़ा सा रेनोवेशन का काम है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम है। और जब इस तरीके के काम घर में होते हैं तो मेस पूरे घर में ही हो जाता है। बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया कुछ भी शूट करने का। बहुत सारी रेसिपीज बनाई थी, जलेबी बनाई थी, गोलगप्पे बनाए थे और कई बहुत होली की जो भी रेसिपीज, जो स्नैक्स वगैरह बनते हैं वो बनाए थे। शूट कुछ भी नहीं कर पाई, छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई है, कोशिश करूंगी इस वीडियो में उन्हें डाल दूं। और ऊपर का जो प्रोग्रेस है काम की, काफ़ी हद तक हो चुका है, मतलब अभी स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। थोड़ा सा अभी लेंटर वगैरह का काम बचा है और क्या बन रहा है वो तो अभी एक सस्पेंस है। और जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। क्या मैंने सोचा हुआ है ऊपर के लिए, टेरेस के लिए क्या थीम सोची है, किस पर्पज से हम लोग उसे बनवा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में जल्दी ही आप लोगों को पता चल जाएगा। और अभी तो फिलहाल एक बार ना ऊपर लेके चलती हूँ आपको कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या हुआ है। अभी होली की वजह से एक दो दिन काम बंद है, उसके बाद फिर कंटिन्यू होगा होली के बाद जो भी काम है। और क्या, बस अब फटाफट तैयार होना है, होली पूजने जाना है। कोशिश करूंगी वहां के क्लिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो शूट किया था एक छोटा सा और शेयर किया था हमारे गांव में किस तरीके से होली मनाई जाती है। और बस अब ना ऊपर चलते हैं, एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी प्रोग्रेस है ऊपर के कंस्ट्रक्शन के काम की। ये है हमारी मुमटी, सारा अभी तो पूरा मैस हो रखा है क्योंकि सामान सारा यहीं पे स्टोर कर दिया है बाहर स्टोर रूम का भी। ये अलमीरा सब अभी देखिए सारा मैस हो रखा है। और बाहर का दिखाऊं छत का हाल, और ये होली की वजह से बंद हो गया ना, एक दो दिन बाद शुरू होगा यहाँ का काम। अभी सेफ है ना इसमें जाना यश? हाँ हाँ सेफ है। तो ना मैंने क्या किया है, ये एक यहाँ पे ऐसे रूम बनवा दिया है और जो फाइनल डिजाइनिंग है वो तो खैर आप लोगों को बाद में ही पता चलेगी। इस तरीके से आगे जो है ओपन रूफ रहेगी और ये वाला रूम रहेगा। उधर मुमटी है, उसको भी रेनोवेट कराऊंगी थोड़ा सा अंदर से। और इधर मैंने ये एक विंडो छुड़वा दी है और पीछे की जो छत है वो टेनेंट्स के लिए सेपरेट हो जाएगी, मतलब यहाँ से लेके ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, और इधर फिर आगे और पीछे तक छत है वो टेनेंट्स की सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिखाऊं, ये यहाँ पर पार्टीशन हो जाएगा और डोर लग जाएगा यहाँ पे। तो अभी तो बहुत काम बाकी है, टाइम लग जाएगा काफ़ी। और डिज़ाइनिंग तो ये है, थोड़ा थोड़ा सा माइंड में अभी रख रही हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से डिज़ाइन करानी है, इंटीरियर किस तरीके का होगा इस रूम का, थीम भी कुछ प्लान की हुई है। ये वाली जो वॉल है ये भी यहाँ से हटेगी, काफ़ी छोटी है ये, दोबारा मतलब बनवाई है पूरी निकलवा के, और थोड़ी सी ऊंची इसको करवाएंगे। और ये बाहर की जो ग्रिल है इसमें भी कुछ ऐसा कराएंगे कि प्राइवेसी थोड़ी सी मेंटेन रहे, थोड़ा कुछ इसको पार्टीशन वगैरह इस तरीके का कराएंगे। और ऊपर का दिखाऊँ आपको, अभी यहाँ पर ग्रिल वगैरह कुछ भी नहीं लगी है, यहाँ तो खैर लेंटर ही नहीं हुआ है, तो यहाँ भी ग्रिल वगैरह आएगी सामने की ओर। और ये वाली जो दीवार मैं बता रही थी इस पर भी मैंने कुछ सोचा हुआ है कि इस तरीके का कुछ डिज़ाइनिंग कराऊंगी इसमें, कि मेरे को पेड़ वगैरह अगर मुझे लगाने हुए तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसके लिए। शेल्फ वगैरह कुछ इस तरीके का सोचा हुआ है माइंड में, बाकी देखते हैं वो जो मिस्त्री है वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है कि नहीं कर पाता। बाकी एक दो दिन के बाद काम शुरू हो जाएगा, तो जैसे जैसे जो भी प्रोग्रेस होगी काम की वो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। ये देखो मम्मी ने क्या रखा हुआ है, शायद जानते होंगे आप लोग, चक्की का पार्ट बोलते हैं इसको, अब तो यूज़ नहीं होता, पहले इसी में गेहूँ पीसते थे, बहुत पुराना है ये, तो दादी के टाइम का है शायद, अब तो बस ये ऐसे ही रखा हुआ है। और ये देखिए हमारे यहाँ पर पूजन के लिए इस तरीके से थाल ले करके जाते हैं, गुड़ है, बेर है, कलावा, और उसके अलावा ये है जल और आटा, साथ में गेहूं के बाल और माला। ये अभी मम्मी दिखाएंगी माला, इसको मम्मी बुड़कले बोलते हैं, है ना? हाँ, इनको बोलते हैं बुड़कले। ये बनाए हुए हैं गोबर, जो
गाय के गोबर के दो इस तरीके की शेप दी जाती है, माला बोल दो, बुड़क ले जो भी है, चांद सूरज वगैरह इसमें बनाए जाते हैं इस तरीके से। एक सेकंड, इस तरीके की होती है, ये छोटी है और वो बड़ी है ना, ये वाली बड़ी। तो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अभी पिछला जो कुछ टाइम बहुत ही बिजी गया, तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस मैं होली के स्नैक्स के नहीं बना पाई। हालांकि जो इससे पहले वीडियो आया था उसमें मैंने गुड़ पारे और नमक पारे बनाए थे, उसकी बकायदा पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस तरीके से मैं अपने घर में उन दोनों रेसिपीज़ को, उन दोनों स्नैक्स को बनाती हूँ और कौन कौन से आइटम्स में यूज़ करती हूँ। और ये दोनों तो आइटम्स ऐसे हैं, ये दोनों स्नैक्स ऐसे हैं कि हम कुछ टाइम पहले भी इनको बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। और होली के टाइम पे तो क्या होता है, फिर भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है त्यौहार के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। तो हालांकि कुछ और रेसिपीज़ मैंने बनाई, लेकिन जैसा कि मैं बता चुकी हूँ ज़्यादा शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो सबसे पहली रेसिपी जो मैंने बनाई थी वो बनाई थी नमकीन मठरी की। इसके लिए मैंने मैदा, बेसन और सूजी तीनों चीज़ों को मिलाकर और एक अच्छा देसी घी के मोयन वाला आटा तैयार किया, डो तैयार किया, और उसमें मैंने कसूरी मेथी और नमक भी ऐड कर लिया था। और उसके बाद इस तरीके से उसको बेल लिया मैंने और फिर कटोरी की हेल्प से गोल शेप कट कर ली। और उसके बाद बिल्कुल हल्के गरम तेल पर उसको बिल्कुल धीरे धीरे सेक लिया था और बहुत ही खस्ता मठरी बनकर तैयार हुई थी। इसमें आप वेरिएशन भी कर सकते हैं, कोई और मसाले आप डालना चाहें या फिर जीरा डालना चाहें या अजवाइन की जगह, तो बहुत सारे वेराइटीज़ आप इस मठरी की बना सकते हैं। जैसे मैंने तीन चीज़ें ऐड की हैं, आप चाहें तो प्योर सूजी से भी या प्योर आटे की या फिर प्योर मैदा की भी इन्हें बना सकते हैं। तो फिलहाल बहुत ही खस्ता ये बनी थी और देखिए बिल्कुल हल्की आँच पर मैं हल्के तेल पर ही धीरे धीरे इनको भूनना है, तलना है, और उसके बाद जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे ठंडा होके, उसके बाद हम इनको स्टोर करके रख देंगे। और ये भी ऐसी रेसिपी है जो आप होली से कुछ दिन पहले ही बना के रख सकते हैं ताकि त्यौहार के समय आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री रख सकें, ताकि अपनी फैमिली के साथ त्यौहारों को आप अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। इसके बाद मैंने बनाए थे गोलगप्पे। हालांकि इस बार जो गोलगप्पे मैंने यूज़ किए वो किए थे रेडीमेड, जो मार्केट से रेडीमेड गोलगप्पे मिलते हैं
उनको बस फ्राई कर लिया था और साथ में गोलगप्पे का पानी भी था मेरे पास, पानी पूरी मसाला। लेकिन ये वाला जो मसाला था बहुत मतलब बड़ा वियर्ड सा टेस्ट है इसका, बहुत कड़वा लगता है, तो ये मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। सारी चीज़ें सारे मसाले मैंने खुद ही घर पर तैयार किए, बिल्कुल एक ना पेस्ट कह सकते हैं या चटनी की तरह मैंने पानी की तैयारी कर ली थी, एक गाढ़ी चटनी बना ली और उसके बाद उसे डाइल्यूट कर दिया था। और उस गाढ़ी चटनी में मैंने धनिया, पुदीना, इमली सूखी खटाई जिसे पानी में भिगो दिया था, और काला नमक, सफ़ेद नमक, साथ में हींग और हरी मिर्च, इसी तरीके से जो भी चटनी का सामान होता है वो सभी चीज़ें इसमें डाल दी थी और सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और फिर एक गाढ़ी चटनी जब तैयार हो गई या गाढ़ा पेस्ट जब तैयार हो गया तो उसमें अच्छा सा पानी डालकर उसको डाइल्यूट कर लिया और उसके बाद बस बूंदी उस पर डाली थी और हमारा गोलगप्पे का बढ़िया पानी तैयार हो गया था। वैसे तो मैं हर बार दो या तीन तरीके का पानी बनाती हूँ गोलगप्पे का, जैसे कि मीठा, खट्टा मीठा और साथ में हींग वाला, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही बेस ये वाला पानी तैयार किया मैंने और फिर इसी में मीठा ऐड कर दिया था और इसे दो तरीके का बना लिया था। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, गोलगप्पे इस बार मैं मार्केट से रेडीमेड पैकेट लेकर के आई थी। मेरी कोशिश यही रहती है कि इस तरीके का फ्यूज़न करूं अपनी कुकिंग में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर पाऊं और उस क्वालिटी टाइम को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूं। तो बस इस तरीके से मैंने गोलगप्पे फ्राई करके रख लिए थे और बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस इनको डालना है तेल के अंदर और थोड़ा सा इस तरीके से हल्का हल्के हाथ से पलटते रहें, बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और प्योर सूजी के ये गोलगप्पे हैं। और होली के दिनों में तो आपको आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाएंगे आपको उसके, या फिर जो ये नमकीन भंडार होते हैं उन पे भी आपको आसानी से ये मिल जाएंगे। और वाकई में इनकी वजह से मेरा काम इस बार बहुत आसान हो गया। और उसके अलावा कुछ आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, ये मैंने साथ में टिक्की भी बनाई थी, थोड़े ज़्यादा आलू थे, साथ में काले चने बॉईल कर लिए थे, छोले भी हम ले सकते हैं। और उसके बाद जो फिलिंग है उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़े से आलू लिए, थोड़े से उबले हुए चने, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया, साथ में इसमें थोड़े से मसाले डाले, जैसे कि हम इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं या फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं, काला नमक या फिर सफ़ेद नमक, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और थोड़ा सा गोलगप्पे का जो पानी हम लोगों ने बनाया था वो भी इसमें डाल दें और बहुत ही स्वादिष्ट हमारी गोलगप्पे की फिलिंग बनकर तैयार हो जाती है। तो अब हमारे गोलगप्पे तैयार हैं, गोलगप्पों की फिलिंग तैयार है और पानी है इसको मैंने दो पार्ट में कर लिया और एक पार्ट तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया जो कि खट्टा पानी था, और उसके अलावा एक पार्ट में यानी जो दूसरा पार्ट था उसमें मैंने पाउडर शुगर ऐड कर दी और वो हो गया खट्टा मीठा पानी। तो इस तरीके से गोलगप्पे के पानी के भी दो फ्लेवर मैंने तैयार कर लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि गोलगप्पे हमने इस बार रेडीमेड यूज़ किए थे और एक बहुत ही बढ़िया चाट, गोलगप्पा, पानी पूरी कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारी घर में आसानी से बनकर तैयार हो गई। और गोलगप्पे के लिए जो आलू और चने की स्टफिंग हमने बनाई है उसमें आप सौंठ की चटनी भी यूज़ कर सकते हो। मैंने तो खैर पहले से बनाकर रखी हुई है घर पर ही और बस हमारी पूरी जो कह सकते हैं गोलगप्पे का ठेला तैयार हो गया है और वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया बने सारी चीज़ें। इसके बाद मैंने बनाई थी जलेबी और जलेबी के लिए मैंने यूज़ किया था मैदा बैटर का, और इंस्टेंट वाली जलेबी बनाई थी मैंने जिसमें मैंने मैदा के अंदर दही डाली थी, साथ में थोड़ा सा फूड कलर डाला था और इस तरीके से उसको जो आइसिंग बैग होता है केक वगैरह की डेकोरेशन में जिसे यूज़ करते हैं उसमें फिल कर लिया था और देसी घी में उनको तल लिया था। और साथ में मैंने बना ली थी चाशनी और थोड़े से उसमें केसर के धागे डाल दिए थे, साथ में इलायची और थोड़ी सी करारी मैंने जलेबी इस बार बनाई थी और वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनी थी और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था खाने के बाद कि ये इंस्टेंट वाली है, क्योंकि जो खटास थी वो दही की वजह से बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा आई थी उसके अंदर। और इस तरीके से फिर जो चाशनी मैंने बनाई थी उसके अंदर इन जलेबियों को लगभग 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से डिप करके रखा, बीच बीच में पलटते रहे, 2 से 3 बार पलटा और बस उसके बाद चाशनी में से निकाल कर इनको रख दिया था। तो ये भी हम पहले से बना करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको ठंडा भी खा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो माइक्रोवेव कर सकते हैं, गरम कर सकते हैं और उसके बाद इसे एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि शेप बहुत अच्छी नहीं आई थी, पहले ही बता दूं आप लोगों को, बिल्कुल प्रोफेशनल वाली शेप नहीं थी,
पर घर के हिसाब से वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनी थी और शेप को अगर इग्नोर करें तो स्वाद बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा मैंने बनाई थी आलू की टिक्की, और आलू की टिक्की की रेसिपी तो मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो नॉर्मल आलू की मैंने पिट्ठी तैयार कर ली थी और इस बार मैंने थोड़ा सा चावल का आटा उसमें मिक्स कर दिया था और बहुत ही क्रिस्पी इस बार आलू की टिक्की बन करके तैयार हुई थी। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। एक बार फिर से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।